सो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है एक नई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ की पार्ट टू वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने ये पिछली वाली वीडियो में ही किया था, और पिछली वाली वीडियो करप्ट हो गई थी क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था वो वीडियो, तो करप्ट हो गई थी। तो ये सब मैंने उसी वीडियो में फाइंड किया है माइनक्राफ्ट से, और ये हमने ही बनाया है ये नीचे रास्ता जाने के लिए। और नीचे हमने डिगिंग भी की है, 2x2 ब्लॉक्स की टनल बनाया है। और पिछली वाली वीडियो 2 से 3 घंटे की हो गई थी क्योंकि उस वाली वीडियो में हमने बहुत सारा काम किया था। तो ये सारा आयरन भी उसी में लिया है, तो बहुत लोग क्रिएटिव कहेंगे। मैं आपको दिखा दूँगा माइनक्राफ्ट जिसमें से हमें वो सारे चीज़ें मिली हैं। और यहाँ पर कुछ डायमंड्स भी हमने यहाँ पर छोड़े थे। और हमने हमारे पास स्टोन की पिकेक्स थी, आयरन की नहीं थी, इसी वजह से 2 से 3 पिकेक्स तो टूट भी चुकी है इसको डिगिंग करते समय। तो देखते हैं कितना इसमें डायमंड मिलता है। आई थिंक इसमें बहुत कम डायमंड मिलेगा। तो देखते हैं माइनक्राफ्ट वाले हमें कितना डायमंड देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये सबका काटते हैं पर हमारा काटते हैं कि नहीं। चलो आज देख भी लेते हैं कितना डायमंड देते हैं हमें। वैसे तो देखने में ये 7 से 8 डायमंड ही लग रहे हैं, तो देखते हैं कितना मिलता है। तो यहाँ पर हमको मिले 7 डायमंड और आगे भी कुछ डायमंड दिख रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हमें कितना डायमंड मिलता है। तो चलो इसे माइन करते हैं। तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट के लॉजिक के हिसाब से 1 या 2 ही डायमंड होंगे, क्योंकि ये लोगों का पहले तड़पा तड़पा के मारते हैं, मारने के बाद उनकी समाधि बनाने के लिए 1 डायमंड और दे देते हैं, जैसे कि हमें दिए हैं। अब यहाँ पर तो हमें मिल गया 3 डायमंड, तो हमारा हो गया 20 डायमंड टोटल। तो देखते हैं बाकी कितना मिलता है। तो आगे चलते हैं और हम आपको वो केप भी दिखा देंगे जिस केप में हमें उतना सारा आयरन मिला था, क्योंकि कुछ लोग तो क्रिएटिव चिल्लाएंगे। तो केप भी दिखा देते हैं भाई, थोड़ा संख्या कम हो जाए क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ। तो मैं उनको बता दूँ मैं क्रिएटिव यूज़ नहीं करता, मेरी बात समझा करूँ, मैं क्रिएटिव यूज़ क्यों करूँगा। तो ये रही वो केप जिसमें से हमने इतना सारा आयरन निकाला है, और बहुत सारा मटेरियल भी इसी से निकाला है हमने। तो पहले हम उस डायमंड को ढूंढ लेते हैं जो हमारे जिगर का छल्ला है। तो बहुत सारे लोगों को तो लगेगा कि हम जीएफ की बात कर रहे हैं, तो हम जीएफ की नहीं डायमंड की बात कर रहे हैं। तो यहीं कहीं पर डायमंड भी होगा, और आपको बता देना चाहते हैं, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहीं कहीं आस में एक माइनक्राफ्ट भी है जिसके बारे में हमने बात की थी, और यहीं कहीं हमने एक डायमंड भी देखा था। तो पहले उस डायमंड को माइन करेंगे, फिर आपको हम माइनक्राफ्ट भी दिखा देते हैं। पूरा माइनक्राफ्ट हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे और उसको पूरा एक्सप्लोर करके भी। तो पहले हम डायमंड ढूंढ लेते हैं, यहीं कहीं हमने एक डायमंड भी देखा था, और ये रहा वो डायमंड। कितने डायमंड हैं यहाँ पर? 1 ही डायमंड है, और 1 डायमंड में शॉट भी नहीं बनती। तो हम तो आगे चलते हैं, तो और इसे हमें पूरा डिग डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और पिछली वाली वीडियो जो करप्ट हो गई थी, अगर वो ना हुई होती तो चार पांच एपिसोड इसका वैसे ही घसीट लेता मैं, क्योंकि वो 2 या 3 घंटे की थी, याद भी नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया उसको, क्योंकि ये वीडियो हमने लगभग 2-3 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये है वो माइनक्राफ्ट जो लोग कह रहे थे दिखाने को, तो यही है वो। तो मैं आपको बाद में अगली वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी जा रही है, तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा वो माइनक्राफ्ट। तो चलते हैं घर की तरफ ये सारा डायमंड रखने। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।